अमेरिका कैसा देश है ये तो आप सभी जानते होंगे। अपने प्रतिबंधों की वजह से आजकल अमेरिका पूरी दुनिया में छाया हुआ है, पर जब बात भारत की आती है तब हर बार ऐसा देखा गया है कि अमेरिका की दादागिरी भारत पर बेअसर होती है। और जब से मोदी ने देश की सत्ता संभाली है तब से भारत की विदेश नीति और भी ज्यादा आक्रामक हो गई है। यहाँ हम आपको बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे अमेरिका को नाराजगी थी, पर वो सभी फैसले भारत के हितों में ही थे, इसलिए उन फैसलों को लेना जरूरी था। उन्हीं फैसलों में से एक फैसला था रशिया के साथ हुआ S-400 का सौदा, जो देश की सुरक्षा के लिए काफी अहम था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस के साथ पिछले साल अक्टूबर में S-400 की डील की थी। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में अमेरिका और रूस के बीच एक संतुलन बनाया हुआ है और कभी किसी एक देश को खुश करने के लिए अपने फैसले नहीं बदले। पर यहां हम आपको एक बात बता दें कि भारत अपने मित्र देश रूस से आगे भी हथियार खरीदता रहेगा और अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते देश के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। तभी अमेरिकी प्रतिबंधों की काट निकालने के लिए भारत रूस के साथ नए रक्षा खरीद के भुगतान के लिए भारत रूसी मुद्रा रूबल और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो के साथ रुपए का प्रयोग करने की सोच रहा है। यहां हम आपको बता दें कि 2017 में लाए गए काट्सा कानून की वजह से रूस से लगातार हो रही रक्षा डील के भुगतान में बाधा पैदा हो रही है, क्योंकि वैश्विक मुद्रा डॉलर में रूस को अब भुगतान नहीं किया जा सकता है। इसलिए भारत और रूस ने मिलकर बीच का रास्ता निकाला है, इससे काट्सा एक्ट से भी बचा जा सकेगा। भारत के रक्षा सचिव संजय मिश्रा के नेतृत्व में वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों की एक टीम पिछले सप्ताह रूस के दौरे पर गई थी और वहां जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें से सौदे का भुगतान चैनल प्रमुख मुद्दा था। अगले कुछ वर्षों में भारत को रूसी हथियार प्रणाली के एवज में लगभग $7 मिलियन का भुगतान करना होगा, जिसमें सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल, परमाणु शक्ति वाली दूसरी पनडुब्बी और 2 युद्धपोत का करार शामिल है। अकेले S-400 की लागत 40,000 करोड़ रुपए की है और इन्हीं सब के चलते भारत और रूस बीच का रास्ता निकालने में लगे हुए हैं, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।